काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी पेट्रोल पंप के पास स्टेशन रोड मऊरानीपुर। ऐसा स्वाद और कहां जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहां कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद, तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड मोती होटल के पास स्टेशन रोड मऊरानीपुर। झांसी में लॉकडाउन से लगातार सदर विधायक रवि शर्मा व उनके प्रतिनिधि पंडित दिलीप पांडे द्वारा असहायों की मदद की जा रही है। बीते रोज जब उन्हें पता चला कि नगर के पुलिया नंबर 9 में कई गरीब भीषण ठंड से परेशान हैं, तो वो बिना देर किए उनकी मदद करने पहुंच गए। जानकारी मिलने पर विधायक प्रतिनिधि दिलीप पांडे विधायक सेवार्थ रथ लेकर महाराज सिंह नगर जा पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब असहाय व विकलांगों को कंबल वितरित किए। कंबल पाकर गरीब व विकलांगों के चेहरे पर खुशी दिखी। उन्होंने सदर विधायक रवि शर्मा व उनके प्रतिनिधि पंडित दिलीप पांडे का आभार जताया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि पंडित दिलीप पांडे ने कहा कि गरीब असहाय बेसहारा व विकलांगों की जो भी संभव मदद होगी वो सदर विधायक पंडित रवि शर्मा के निर्देशन में पूरा करते रहेंगे। इस मौके पर धर्मेंद्र कुशवाहा, ऋषभ झा, अनस खान, बिट्टू आदि शामिल रहे। भाई साहब क्या नाम है आपका? लालू। आपको आज क्या मिला है? कंबल मिला है। कहाँ के रहने वाले आप? रोड नंबर पानी सी जंती। किसने दिया कंबल आपको? दिलीप पांडे। कैसा लग रहा है आपको कंबल पाकर? बहुत बढ़िया लग रहा है, सर्दी के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। नाम है आपका? पिंकी। आपको कंबल मिला है, क्या मिला है, किसने दिया? पूरी कंबल किन्होंने दिया? विधायक जी ने। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। देखिए हम लोग आज 9 नंबर के महाराज नगर में खड़े हुए इस समय, और विधायक सेवार्थ रथ रवि शर्मा जी का जो विधायक सेवार्थ रथ चल रहा है उसके माध्यम से हम लोगों ने आज ये कंबल वितरण किए हुए हैं यहाँ महिलाओं को पुरुषों को। कितने दिन से बांट रहे हैं आप? ये हम लोगों करीब आज तीसरा चौथा दिन है, आज चौथा दिन से कंटिन्यू हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं हर जगह, और कोशिश है कि पूरी झांसी में इनको वितरण करना है। जो हमारी विधायक जी की इच्छा है कि कोई भी सर्दी से परेशान ना हो, जहाँ भी जो आदमी मिले, गरीब मिले, जैसा भी मिले, आसहाय मिले, जिस चीज़ जिसको ज़रूरत हो उसको दो। ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं साहब वो बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। यार जो सशस्ता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भुइया कर रहे हो सर, तुम कान खोल के सुने थे कौन हुए? ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए, इतने पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओपी जो रखे आपके घर को सालों साल नया।